डियर स्टूडेंट्स, आज हम हिस्ट्री के चैप्टर 6 के पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है भक्ति सूफी ट्रेडिशंस, भक्ति सूफी परंपराएं, चेंजेज इन रिलीजियस बिलीफ एंड डिवोशनल टेक्स्ट, धार्मिक विश्वासों में परिवर्तन और श्रद्धा ग्रंथ, द वीरशैव ट्रेडिशन इन कर्नाटका, कर्नाटक की वीरशैव परंपरा। ड्यूरिंग द 12th सेंचुरी द वीरशैव मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय ए ब्राह्मण नेम्ड बसवाना। 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक आंदोलन शुरू किया गया जिसे वीरशैव आंदोलन कहते थे, और यह आंदोलन एक ब्राह्मण ने शुरू किया जिसका नाम बसवाना था। ही वॉज ए जैन एंड ए मिनिस्टर इन द कोर्ट ऑफ चालुक्य किंग। वह एक जैन था और चालुक्य राजा के दरबार में एक मंत्री था। हीज फॉलोवर्स आर नोन एज वीरशैव, हीरोज ऑफ शिवा, और लिंगायत्स, वीरर ऑफ लिंगा। जो उसके अनुयायी थे उनको वीरशैव कहा जाता था, अर्थात भगवान शिव के वीर या लिंगायत, क्योंकि वो शिवलिंग धारण करते थे। लिंगायत्स एंड देयर बिलीव्स, लिंगायत और उनके विश्वास। द कम्युनिटी ऑफ लिंगायत्स इज एन इम्पोर्टेंट कम्युनिटी इवन टूडे। लिंगायत समुदाय आज भी एक महत्वपूर्ण समुदाय है। दे वर्शिप लॉर्ड शिवा इन द फॉर्म ऑफ लिंगा। वे शिवलिंग के रूप में भगवान शिव की पूजा करते हैं। दे वीर ए स्मॉल लिंगा इन द सिल्वर केस ओवर द लेफ्ट शोल्डर। वे चांदी की एक छोटी सी डिब्बी में एक शिवलिंग को रख के उसको अपने बाएं कंधे पर धारण करते हैं, बांधते हैं। लिंगायत्स बिलीव दैट आफ्टर डेथ द डिवोटी विल बी यूनाइटेड विद शिवा एंड विल नॉट रिटर्न टू दिस वर्ल्ड। लिंगायतों का ये विश्वास है कि मृत्यु के बाद जो भक्त है वो भगवान शिव में ही लीन हो जाएगा और वापस लौट कर इस संसार में नहीं आएगा। देयरफॉर दे डू नॉट प्रैक्टिस फ्यूनरी राइट सच एज क्रीमेशन। इस प्रकार वे दाह संस्कार जैसे कार्य नहीं करते थे, एज प्रिस्क्राइब्ड इन द धर्मशास्त्र, जैसे कि धर्मशास्त्रों में लिखा हुआ था। इंस्टेड दे सेरेमोनियली बरी देयर डेड बॉडी। इसके स्थान पर वे अपने मृतकों को विधिपूर्वक दफनाते थे। चैलेंज टू द कास्ट सिस्टम, जाति प्रथा को चुनौती। द लिंगायत्स चैलेंज द आइडियाज ऑफ कास्ट एंड द पोल्यूशन एट्रीब्यूटेड टू सम ग्रुप बाय ब्राह्मण्स। जो लिंगायत थे उन्होंने जाति की अवधारणा को और ब्राह्मणों के द्वारा कुछ समूहों को दूषित मानने की अवधारणा को चुनौती दी। दे आल्सो क्वेश्चन द थ्योरी ऑफ रीबर्थ। उन्होंने पुनर्जन्म के सिद्धांत पर भी सवाल उठाए, प्रश्न चिन्ह लगाए। द अपोजिशन टू कास्ट सिस्टम वॉन द नंबर ऑफ फॉलोअर्स। जब उन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया तो उनके बहुत से अनुयायी बन गए। हु आर मार्जिनलाइज एट बॉटम विद इन द ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर। और वो लोग जो ब्राह्मणीय सामाजिक व्यवस्था में सबसे निचले स्थान पर थे वो भी लिंगायत जो लोग थे उनके अनुयायी बन गए। द लिंगायत्स आल्सो प्रैक्टिस सर्टेन अप्रूवल्स दैट वर रिजेक्टेड बाय धर्मशास्त्रास। जो लिंगायत थे उन्होंने कुछ बातों को मान्यता प्रदान की जिन बातों को धर्मशास्त्रों ने रिजेक्ट कर दिया था, मना कर दिया था, सच एज पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज, जैसे कि वयस्कों का विवाह एंड री मैरिज ऑफ विडोज और विधवा पुनर्विवाह। लिंगायतों ने वयस्कों का विवाह और विधवा पुनर्विवाह को मान्यता प्रदान की। आवर नॉलेज अबाउट द वीरशैव ट्रेडिशन इज केम फ्रॉम द वचनास। हमारा ज्ञान वीरशैव परंपरा के बारे में वचनों से आता है। लिटररी सेइंग, विशेष रूप से ये कथन होते हैं। कंपोज इज कन्नड़ बाय दोस, ये कन्नड़ भाषा में उन लोगों के द्वारा लिखे गए हैं हु ज्वाइन द मूवमेंट, जिन्होंने इस आंदोलन को ज्वाइन किया या इस आंदोलन में शामिल हुए। रिलीजियस कंडीशंस ऑफ नॉर्थ इंडिया, उत्तरी भारत में धार्मिक स्थिति। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस, इतिहासकारों के अनुसार, इन नॉर्थ इंडिया देर वॉज ए पीरियड व्हेन सेवरल राजपूत स्टेट्स एमर्ज्ड। उत्तरी भारत में एक ऐसा समय था जब बहुत से राजपूत राज्यों का उदय हुआ। एंड इन मोस्ट ऑफ दीज स्टेट्स ब्राह्मण्स ऑक्यूपाइड इम्पोर्टेंट प्लेस, और इन राजपूत राज्यों में ब्राह्मणों का एक विशेष स्थान था, महत्वपूर्ण स्थान था, बाय परफॉर्मिंग रिचुअल्स, क्योंकि ये धार्मिक अनुष्ठान करते थे। देर वॉज नो अटैम्प्ट टू क्वेश्चन देयर पोजिशंस डायरेक्टली, और किसी में भी इतना साहस नहीं था कि वो ब्राह्मणों की ही सत्ता को चुनौती दे सके। एट द सेम टाइम देर वॉज अदर रिलीजियस लीडर्स, उसी समय कुछ अन्य धार्मिक नेता भी हुए हैं हु वर आउट ऑफ द ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिकल सिस्टम।
जो रूढ़िवादी ब्राह्मणीय व्यवस्था से बाहर थे, यानी कि वो ब्राह्मणों की रूढ़िवादी बातों को नहीं मानते थे। दीज इंक्लूडेड द नाथ जोगीज एंड सिद्धार्थ, इनमें नाथ जोगी और सिद्ध लोग आते हैं। मैनी ऑफ देम केम फ्रॉम द आर्टिसनल ग्रुप, इनमें से बहुत से लोग जो हैं कारीगरी समुदाय से थे, सच एज वीवर्स, जैसे कि जुलाहे, हु वर वेल ऑर्गेनाइज्ड, और ये अच्छी तरह संगठित थे। दीज रिलीजियस लीडर्स क्वेश्चन द अथॉरिटी ऑफ वेदास, इन धार्मिक नेताओं ने वेदों की सत्ता को भी चुनौती दी। हाउएवर दे वर अनेबल टू विन द सपोर्ट ऑफ द रूलिंग एलाइट्स, हालांकि वे शासन करने वाले उच्च वर्ग के लोगों का समर्थन हासिल करने में सफल नहीं हो सके। कमिंग ऑफ तुर्क्स, तुर्कों का आना। तुर्क्स केम इन इंडिया इन 13th सेंचुरी, तुर्क भारत में 13वीं शताब्दी में आए एंड एस्टेब्लिश दिल्ली सल्तनत, उन्होंने दिल्ली सल्तनत का निर्माण किया, दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। मुस्लिम्स केम फ्रॉम अरबर मर्चेंट्स एंड सेटल्ड इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, जो मुसलमान थे वो व्यापारी के रूप में अरब से आए थे और भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भागों में बस गए थे। फ्रॉम द 7th सेंचुरी विद द एडवेंट ऑफ इस्लाम, दीज रीजन्स, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन्स, बिकेम द पार्ट ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड। 7वीं शताब्दी में इस्लाम के उदय के साथ ही ये क्षेत्र, जो उत्तर पश्चिम के क्षेत्र थे, बिकेम द पार्ट ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड, ये इस्लामिक संसार के हिस्से बन गए थे, उनके भाग बन गए थे। विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुगल एम्पायर इन 16th सेंचुरी, 16वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य की स्थापना के बाद इस्लाम वाज द मेन रिलीजन ऑफ रूलर्स इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द कंट्री, देश के बहुत से भागों में इस्लाम जो है शासकों का मुख्य धर्म बन गया था। द पॉपुलर प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम, इस्लाम की जो प्रमुख विचारधाराएं थी कि लोक प्रचलन में इस्लाम किस तरह रहा, लोक प्रचलन में इस्लाम। द चेंजेस दैट फॉलोड द कमिंग ऑफ इस्लाम वर नॉट कंफाइंड इन द रूलिंग एलाइट्स, इस्लाम के आने से जो परिवर्तन हुए वो केवल शासकीय वर्गों तक ही सीमित नहीं थे। इन फैक्ट दे परमिटेड फार एंड वाइड इन द सब कॉन्टिनेंट, वास्तव में वे भारतीय उपमहाद्वीप में दूर दूर तक फैल गए थे। दोज हु अडॉप्टेड इस्लाम एक्सेप्टेड द 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम, जिन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार किया उन्होंने इस्लाम के 5 स्तंभों को भी अपनाया। दीज 5 पिलर्स आर फ्लोइंग, ये 5 स्तंभ निम्नलिखित हैं। देर इज वन गॉड, भगवान केवल एक ही है और वो है अल्लाह, एंड प्रोफेट मोहम्मद इज हिज मैसेंजर, और पैगंबर मोहम्मद उनके दूत हैं। ऑफरिंग प्रेयर्स 5 times a day, दिन में 5 बार नमाज अदा करना, गिविंग आल्म्स ज़कात फॉर द वेलफेयर ऑफ द मुस्लिम्स, और मुस्लिम लोगों की भलाई के लिए दान देना, फास्टिंग ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमजान, रमजान के महीने में रोजे रखना, परफॉर्मिंग द पिलग्रिमेज टू मक्का, और मक्का की तीर्थ यात्रा करना। नेम्स ऑफ द कम्युनिटीज, समुदायों के नाम। वी ऑफन टेक द टर्म हिंदू एंड मुस्लिम फॉर रिलीजियस कम्युनिटीज, हम हिंदू और मुस्लिम शब्दों का प्रयोग धार्मिक समुदायों के लिए करते हैं। बट दीज टर्म्स वर नॉट इन यूज फॉर ए लॉन्ग टाइम, लेकिन ये शब्द काफ़ी लंबे समय तक प्रयोग में ही नहीं थे। हिस्टोरियंस हु हैज स्टडीड संस्कृत टेक्स्ट पॉइंट आउट द टर्म मुसलमान और मुस्लिम वर्चुअली नेवर यूज, वो इतिहासकार जिन्होंने संस्कृत ग्रंथों को पढ़ा है उन्होंने इस बात का पता लगाया कि मुसलमान और मुस्लिम शब्द का प्रयोग वास्तव में कभी हुआ ही नहीं। इंस्टीड पीपल वर आइडेंटिफाइड इन टर्म्स ऑफ द रीजन्स फ्रॉम दे विच दे कम, इसके स्थान पर लोगों की पहचान उन स्थानों से हुई जहाँ से वो आए थे। फॉर एग्जाम्पल, तुर्किश रूलर्स वर डेजिग्नेटेड एज तुर्कास, तुर्की के शासकों को तुर्काज कहा जाता था। ताजिकास वर द पीपल फ्रॉम ताजिकिस्तान, ताजिकिस्तान के लोगों को ताजिका कहा जाता था, और पर्शिया के लोगों को पारसिका कहा जाता था। न्यू माइग्रेंट्स वर कॉल्ड मलेच, जो नए माइग्रेंट्स थे, प्रवासी थे, उनको मलेच कहा जाता था, बिकॉज दे डिड नॉट ऑब्जर्व द नॉर्म्स ऑफ द कास्ट सोसाइटी, क्योंकि उन्होंने जाति व्यवस्था के नियमों को नहीं माना, एंड स्पोक लैंग्वेजेस दैट वर नॉट डेराइव्ड फ्रॉम संस्कृत, और वो ऐसी भाषा बोलते थे जो संस्कृत से नहीं ली गई थी।